हेलो दोस्तों, बुटोलास फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मंदीप बुटोला, आपका स्वागत करता हूं एक नए और शानदार व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूं हमारे गांव के कुछ ही दूरी पर एक नया पार्क बना है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो आज का मैं मौसम आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो आज का मौसम क्लियर था और धूप भी बहुत ही बढ़िया निकली थी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं भी आया हूँ हॉस्पिटल पर। जैसे कि आप देख सकते हो सामने हॉस्पिटल है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ये। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ मैं क्यों आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ, यहाँ पर मेरा रिलेटिव जो है यहाँ पर एडमिट है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हमें एक भैया मिले थे और ये कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, तो सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। कौन सा चैनल भैया आपका? नमस्ते यूट्यूब फैमिली को सबको मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह नेगी फ्रॉम चमोली उत्तराखंड। मैं यहाँ पे 3 महीने से हूँ और मेरा पैर पे रोड पड़ा हुआ है और मैं 3 महीने से यहाँ इस बेड पे ज़िंदगी के दिन काट रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ महीने मैं DS में रहा और फिर मैं इधर आया कोटेश्वर में आया। तो यहाँ पे पहले व्यवस्था बढ़िया थी, बाद में इन लोगों ने यहाँ पे बहुत गंद फैला दी, और जैसे हम सफाई कर्मचारी को भी बोलते हैं तो इरिटेट करते हैं हम लोगों को। और यहाँ पे मरीज़ का वैसे जो स्टाफ नर्स हैं वो सबसे बढ़िया ख्याल रखते हैं यहाँ पे, और जो डॉक्टर लोग हैं वो भी बढ़िया ख्याल रखते हैं यहाँ पे जो मतलब कार्य करते हैं। सिर्फ हमें इसी चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ढंग का खाना नहीं मिल पाता है। और जो मतलब मेन्यू होते हैं ये लोग बोलते हैं कि मेन्यू है पर बट यहाँ पे एक मेन्यू नहीं है, खाने का शेड्यूल नहीं है। जैसे कि अदर हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पे सुबह के टाइम पे एग मिलता है और दूध है, जो कि हम जो हड्डी वाले पेशेंट होते हैं तो इनके लिए कुछ अलग ही मतलब खाना प्रोवाइड करती है सरकार। जब सरकार दे रही है तो इनको अपने घर से तो जाता है नहीं इन लोगों का, बट यहाँ पे मरीजों का जो मतलब हर कोई हमें इलाज से कोई दिक्कत नहीं है, दवाई यहाँ पे प्रॉपर मिलती है, डॉक्टर यहाँ पे सब बढ़िया हैं,
लेकिन स्टाफ नर्स भी बढ़िया हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सिर्फ थोड़ा यहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, और यहाँ पे खाने का मरीजों का कोई ढंग नहीं है। जो कि एक हमें यहाँ पे एक होटल लगाया गया है, उसकी मर्जी से कभी वो दाल में नमक ज़्यादा ठोक देते हैं, कभी नाश्ते में ब्रेड पकड़ा देते हैं, जबकि बाद में जो ये फास्ट फूड है तो ये मरीजों को नहीं दिया जाता है। जैसे दलिया वलिया ये तो चलता है, लेकिन बट ये है कि ये लोग अपने मर्जी के हिसाब से खाना प्रोवाइड करते हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए रविंद्र सिंह की धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ पर हो रखा है, ये देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर सफाई नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको अंदर जाकर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये शिवलिंग, तो ऐसे बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पर खुदाई में निकले थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ऐसे खुदाई में बहुत सारे निकले थे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो ईंट है वो भी खुदाई पे निकली थी, और बहुत सारा ऐसा सामान निकला था। दोस्तों मैं भी यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी बड़ी ईंट यहाँ पर है, जो कि खुदाई में निकली थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये खुदाई में ईंट निकली थी, और बहुत सारे ऐसे सामान निकला था यहाँ पर, जो कि अभी वो पुरातत्व वाले ले गए। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर पार्क पे, आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्क। तो अभी मैं पार्क में आया हूँ तो आपको भी ले चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी पार्क में चलते हैं हम, तो चलिए दोस्तों अभी पार्क में चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर पार्क जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर बहुत ही बच्चे यहाँ पर शाम को भी खेलने आते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है जिला प्रेस क्लब, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि ये देख सकते हो जिला प्रेस क्लब। और यहाँ पर जो व्यू आ रहा है आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो व्यू। दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे झूले लगे हैं। आपको मैं अभी नीचे ले चलता हूँ, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे वाला पार्क, तो इस वाले में मैं आपको ले चलता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये है ये प्लास्टिक की बोतलों से दीवार बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।